देते हैं। वेबसाइट पे आ गए, इसने बोला इंस्टॉल करो, हमने इंस्टॉल कर लिया। इसने कहा यार रिएक्ट इंपोर्ट करो, हमने कर लिया। इसने कहा ये लाइन कॉपी करो, ठीक है हम इसका ये कॉपी कर लेते हैं। सही है, देख लो यहाँ पे, ठीक है हमने कर लिया। अच्छा अभी हमें जिन चीजों की जरूरत है मैं सिर्फ वही चीज रख रहा हूँ। हमें राउटर चाहिए और राउट चाहिए, राउटर और रूट, वो भी बता देता हूँ क्या क्या होता है। अच्छा एक सेकंड, मैं स्ट्रक्चर बना दू और फिर तुम लोगों को बता दू क्या होगा। अच्छा देखो यार वेबसाइट पे इन्होंने तरीका बताया है कि यार आप पहले राउटर लगाओ, सही है, राउटर के अंदर आप सब कुछ रैप कर दो, ठीक है। तो इन लोगों ने थोड़ी लेंथी वे बताई हुई है, मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ। अगर इसको देखोगे तो ये भी क्लियर ही है, सिंपल ही है, लेकिन मैं आसान तरीका बता देता हूँ। देखो हम रिएक्ट राउटर डॉम से क्या क्या इम्पोर्ट करते हैं, एक राउट रूट, रूट क्या होती है, रूट होती है नॉर्मल, नहीं यार वो मुश्किल है, मतलब इसमें कोड लंबा हुआ है जिसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है मैं यहाँ से बता देता हूँ, अगली दफा उसमें बता दूंगा, कोई मसला नहीं। अच्छा देखो रूट किसको बोलते हैं, नॉर्मल वे में तो आप रोड को बोलते हो रूट, सही है, कोई रास्ता, कोई आसान रास्ता। अब हमें इसको ये हमारा रूट हो गया, ठीक। राउटर, राउटर किस लिए होता है हमारे पास, राउटर हमें चेक करके बताता है कि कितनी रूट है, सही है, कितनी रूट है और क्या चल रहा है। मैं अभी थोड़ी एग्जाम्पल भी देता हूँ तो समझ आ जाएगा। देखो रूट में हम क्या क्या बताते हैं, हमारे पास एट्रीब्यूट होते हैं, एक होता है पाथ का, पाथ, सही है, पाथ हमें बताती है कि क्या यूआरएल है। पाथ किसको चेक करती है, आपकी जो ये है ना यूआरएल सर्च बॉक्स, इसको चेक करके बताती है कि इधर अबाउट है या फिर कॉन्टेक्ट है, सही। तो ये हमें इधर से पता चल रहा होता है, हम इसको बोल देते हैं भाई अगर पाथ ये हो ना तो इधर क्या लाना है, आपको इधर दिखाना है, मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट लॉगिन फ्रॉम, कहाँ से इंपोर्ट करना है लॉगिन कोई बताएगा, लॉगिन के फोल्डर में लॉगिन index.js, सही। अगर मैं इंडेक्स नहीं भी लिखू ना तो ये इंडेक्स को ही पकड़ेगा, सही, बाय डिफॉल्ट। मैं देखे दे रहा हूँ कंफ्यूजन ना, इसलिए सही। मैंने यहाँ क्या किया, मैंने इसको बोला कि अगर इसकी पाथ लॉगिन ये हो सिर्फ स्लैश हो, मैं इधर बता भी देता हूँ एग्जैक्ट एग्जैक्ट पाथ अगर स्लैश हो तो क्या करना है आपको, आपको इधर दिखानी है लॉगिन, लॉगिन पेज, और बोल देता हूँ अगर इधर इसकी पाथ साइन अप हो, साइन अप तो क्या करना है, हमें दिखाना है साइन अप का पेज, सही है। यहाँ कोई कंफ्यूजन, कोई बात ऐसी जो समझ नहीं आ रही हो, क्लियर है बिल्कुल। ऊपर वाले में खाली स्लैश क्यों लिखा हुआ है, वो हमने अच्छा देखो वो हमने इसलिए लिखा हुआ है कि जब आपके पास बाय डिफॉल्ट ऐप खुलती है ना तो आपके पास यहाँ स्लैश होता है, सिर्फ स्लैश, ठीक है। तो मैंने इसको बोला जैसे ही ऐप खुले, तो जब बाय डिफॉल्ट ऐप खुली तो उधर क्या होगा, स्लैश होगा, तो क्या करेगा ये खोल देगा डिफॉल्ट पे, जब ये होगा तो ये खोलेगा, वो आगे बताता हूँ ये किस तरह आएगा। अच्छा इधर मैं ये कर देता हूँ, ये है लॉगिन पेज। एक एक बात पूछनी थी, आप पूछो पूछो। ये जो राउट राउटर हम लोग सेटिंग राउटर करते हैं हम लोग, अब हम लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ हम लोगों को राउटर रखना है और किधर हम लोगों को स्विच रखना है। स्विच स्विच को ध्यान ही नहीं दो, सही, अभी राउटर पे है, मैंने स्ट्रक्चर इसीलिए ये बताया है ताकि तुम लोग कंफ्यूजन हो, लॉगिन, ठीक है। मैंने क्या किया, लॉगिन के पेज पे लॉगिन लिख दिया और साइन अप के पेज पे सब कुछ हटा के साइन अप, अच्छा देखो मैंने ऐप बिल्कुल शुरू से खोली तो मेरे पास क्या खुला, लॉगिन पेज खुला, लॉगिन, नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। अच्छा लॉगिन पेज पे पहले लॉगिन खुलेगा, उसके बाद बाकी सब होगा,
हाँ क्योंकि मैंने यहाँ बताया, अगर मैं इसको बोल दूँ ना यहाँ पे जब लॉगिन हो तब लॉगिन खोलना, तो कुछ भी नहीं खुलेगा, क्योंकि यहाँ पे स्लैश है और यहाँ पे कुछ बताया नहीं है कि स्लैश हो तो क्या करना है, इसीलिए मैंने यहाँ से बताया स्लैश हो तो लॉगिन खोलना। ठीक है लॉगिन खोलना। अच्छा इसको बंद करते हैं। अब मैं दिखाऊँ, अगर यहाँ साइनअप लिखूंगा ना तो क्या खुलेगा, साइनअप, समझ रहे हो? मतलब अगर हमें अब पूरी एप्लीकेशन हैंडल करनी है तो क्या करना है, हैंडल करने के लिए सिर्फ इसका राउट चेंज करना है, वो खुद ही हैंडल कर लेगा। सही। अच्छा लॉगिन पेज पे आते हैं। लॉगिन पेज पे हमें पहला काम क्या करना है यार, ये बोल कौन रहा है? पेज बनाना है, फॉर्म बनाना, फॉर्म फॉर्म बनाएंगे इसमें हम लोग। हाँ ऐसा फॉर्म का इसमें मसला नहीं आता, इसके नॉर्मल जेएस में हम लोग यूज करते थे फॉर्म का मसला आता था ना। हाँ इसमें फॉर्म यूज नहीं करेंगे। अच्छा देखो फॉर्म यूज कर ना करने का मतलब ये है कि फॉर्म का जो टैग होता है ना, ये वाला फॉर्म, वो यूज नहीं करना है। सही है। अच्छा मैं अभी बना लेता हूँ इनपुट, इनपुट सुन रहे हो? मेरे हाँ कोई सुन रहा बोल हूँ, का सुन रहा हूँ, चैनल बंद सुन करो, रहा हूँ। किसी केस में बोल का चैनल सही चल है, रहा है। बंद कर दो यार, जिसके बाद भी चल रहा है, डिस्टर्ब होने लो। अच्छा यार लॉगिन पेज पे मैं इससे पूछ रहा हूँ ईमेल और पासवर्ड। सही। अच्छा ऐसा करते हैं कि हम जूम कर देते हैं नेविगेशन, कि बंदा पहले आए साइन अप करे फिर लॉगिन पे जाए ना, तो ये हटा देता हूँ, न्यू कर देता हूँ ताकि पहले साइन अप पेज पे, साइन अप पेज खुल गया, लॉगिन का सारा काम मैं ये इनपुट जाए ये ले जाता हूँ साइन अप पेज पे, और अभी लॉगिन पेज को बंद कर देते हैं। हम देख लेते हैं नॉर्मल पेज का डेटा फाइल्स में कैसे स्टोर करेंगे, किस तरह खेलेंगे इससे। अच्छा देखो मेरे पास दो फील्ड आ गए। अच्छा इधर एक बीआर लगा देता हूँ ताकि खूबसूरत लगे। सही है, स्टाइलिंग का भी ध्यान नहीं दे रहा। खूबसूरत लग रहा है। हाँ सुन रहा हूँ बेटा। अच्छा सही है, ये ईमेल पासवर्ड आ गया। अच्छा ये देखो जावास्क्रिप्ट में जब हम पढ़ रहे थे ना, तो जावास्क्रिप्ट में यूं करते थे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और डॉट इनर एचटीएमएल, तो जावास्क्रिप्ट में ऐसा कोई सीन नहीं है। जावास्क्रिप्ट में आपके पास होती है स्टेट, जिससे आप सारे साइन अप पेज साइन इन पेज सब के इनपुट कंट्रोल कर रहे होते, बल्कि हर चीज कंट्रोल कर रहे होते। ठीक है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक एक हमें बनानी पड़ेगी स्टेट। सही। अच्छा इधर मैं लिख देता हूँ फुल नेम, ठीक है। अच्छा हमारे पास आ गया फुल नेम ईमेल पासवर्ड, अब एक और काम रहता है पासवर्ड बस। अबे कौन बोल रहा है? लॉगिन बटन, ओ सॉरी साइन अप बटन। हाँ साइन अप बटन, बिल्कुल बटन का टैग आ गया। यार ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं यार? यार मैं भी यही पूछ रहा हूँ कौन कर रहा है। उसामा को भी मैंने बंद कर दिया, म्यूट कर दिया। एक काम करो, सब म्यूट हो जाए, जब अहमद का कोई सवाल है ना तो फिर बोलो। सही बात बोली है मोहसिन भाई ने। मुझे ना मैसेज सवाल भी रेज हैंड कर, हैंड रेज कर लेना यहाँ से ना, रेज हैंड का ऑप्शन होता है इसमें, तब तो यार पूछ लेना ऐसा जो पूछना। ऐसा करो यार खुद ही अनम्यूट हो जाओ। सही है, ताकि तुम हाँ लोग अपने आप को खुद ही कर सको। सही है। अच्छा साइन अप का बटन आ गया, ठीक है। अभी भी आवाज आ रही है भाई। मुझे तो नहीं आ रही है। अच्छा हाँ साइन अप, बाबा भाई म्यूट कर ले यार। साइन अप बटन भी बन गया, ठीक है। अब देखो यार हमें क्या करना है, ये जो हमारे पे इनपुट है ना, इसको कंट्रोलेबल बनाना है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ अहमद रजा, सही है, ईमेल लिख रहा हूँ अहमद @gmail.com और पासवर्ड लिख रहा हूँ 123 और साइन अप का बटन दबाना, तो कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि
मेरे पास ये कहीं वैल्यू सेव नहीं है, तो मुझे सबसे पहला काम तो ये करना होगा कि एक स्टोर बनाना होगा, एक स्टेट बनानी होगी जिसके अंदर सारी वैल्यू स्टोर हो जाए, सही है। अच्छा, स्टेट बनाने का तरीका क्या है, आप क्लास के अंदर और रेंडर के बीच में आप एक कीवर्ड लिखते हो, कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कंस्ट्रक्टर लिखते हो, इसके अंदर ये ब्रैकेट बनाते हो, सही है, और कर्ली ब्रैकेट, या फिर इसको भी छोड़ो, ये मैं बाद में बताऊंगा, डायरेक्ट स्टेट बनाते हो, सही। स्टेट का कीवर्ड आया इज इक्वल टू, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, सही, आपकी बन गई स्टेट, सही है। ये होती है रिएक्ट की स्टेट, आप इसका नाम चेंज नहीं कर सकते। हमारी स्टेट बन चुकी है, अब हमें क्या करना है, इधर बनाना है एक वेरिएबल नेम का, नेम, दूसरा ईमेल पासवर्ड। अच्छा, कोई बात समझना है तो पूछ लेना, मैंने बताया स्टेट किस लिए, समझ नहीं आई, एक मिनट, ये स्टेट के अंदर ईमेल नेम और पासवर्ड आ, कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया हमने। हाँ देखो, मैंने कस्टम कंस्ट्रक्टर इसलिए नहीं बनाया कि अगर तुम लोग अभी कंफ्यूजन ना हो जाए ना, कि तुम लोग कंस्ट्रक्टर का कीवर्ड देख के, सुपर का कीवर्ड देख के सवालात ना है, तो इसलिए मैंने सिर्फ सिंपल सी स्टेट बना दी है, और वो मैं बाद में बताऊंगा जब तुम लोग का रिएक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक, सही है। रिपीट कर दो, रिपीट, एक सेकेंड। उसामा, अच्छा एक बात पूछनी, स्टेट के अंदर आपने नेम, मेल और पासवर्ड इसके लिए अभी नल की हुई है, मतलब इसके अंदर सेव करना अभी हम, हाँ इसके अंदर हम सेव कराएंगे, इसका मतलब क्या है, नेम का एक वेरिएबल होगा जो कि अभी खाली है। अब हमें करना ये है कि जो यहाँ बंदा एंटर करेगा ना, मिसाल के तौर पर नेम एंटर कर रहा है, तो मुझे क्या करना है, स्टेट के अंदर ये वैल्यू अपडेट करानी है, सही है, ताकि मैं इसको कंट्रोल लेवल इनपुट बना सकूं। अच्छा, तो नेम और ईमेल पासवर्ड है, ये तो सारे वैल्यू देनी पड़ेगी ना हमें फील्ड के अंदर।